नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। देश भर में मखाने के लिए मशहूर बिहार का मिथिलांचल इस बार किस तरह के सियासी मूड से चुनावी मैदान में उतरने वाला है, मिथिलांचल की जनता क्या सोचती है, किसे चुनना चाहती है अपना नेता, ये जानने के लिए आपको दिखाते हैं हमारा खास शो रोड से रिपोर्ट। देश भर में मखाने और पान के लिए मशहूर बिहार के मिथिलांचल की जनता सियासत की समझ में भी माहिर है। यहाँ के लोग सियासत में बहने वाले नहीं बल्कि सियासत की हवा पैदा करने वालों में गिने जाते हैं। जिसने मिथिलांचल की नब्ज पकड़ ली उसने बिहार का साम्राज्य मानो फतह कर लिया। यही वजह है कि हमारी टीम ने मिथिलांचल का केंद्र कहे जाने वाले दरभंगा की पड़ताल कर यहाँ के लोगों की सियासी नब्ज टटोलने की कोशिश की। तो देखिए, दरभंगा के बागमोड़ पहुंचे हैं हम और रोड से रिपोर्ट कर रहे हैं। एक ऑटो में मैं सवार हूं और मैं लोगों से बातचीत भी करके चलूंगा कि आखिर क्या चल रहा है। क्या चल रहा है भैया दरभंगा में? दरभंगा में अभी तो कुछ ऐसा स्थिति नहीं है जब से बीजेपी की सरकार आई। जब से तो लड़ाई कांग्रेस और आरजेडी के बीच में ही होती है, बीजेपी और आरजेडी के बीच में। आरजेडी फिर भी था तो काम हम लोग का बढ़िया था, अब बिल्कुल काम बिल्कुल खत्म हो चुका है, काम बिल्कुल है नहीं। मार्केट का ये बहुत बुरा हाल है। चाचा क्या लग रहा है? यहाँ जो है सब ठीक ठाक है, बीजेपी की सरकार आनी चाहिए और 400 पार आना चाहिए। 400 पार। हाँ। आपको क्या लगता है भैया? कोई बीजेपी के सरकार आना चाहिए, 400 पार होना है। बीजेपी के सरकार आना चाहिए, 400 पार आना चाहिए। एकदम। भैया ऑटो वाले भैया, आपको क्या लग रहा है? जरूर जरूर बीजेपी आना चाहिए। बीजेपी आना चाहिए, जरूर जरूर। कितना? 100% काम हुआ यहाँ? हाँ, बीजेपी काम हो रहा है, सड़क पे है। जरूर जरूर काम हो रहा है। जी जी, बन गया जी। चलिए तो देखिए, हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं। हम चाहेंगे भैया हमें थोड़ा घुमा दे, और भी लोगों से हम बात कर लें। थोड़ा दुकान वाले हैं हमारे आसपास में, उनसे भी हम बात करें कि आखिर यहाँ क्या हुआ दरभंगा का विकास, क्योंकि शुरुआती दौर पर यहाँ कांग्रेस का राज रहा, उसके बाद समाजवादी लोगों ने इसका मथक को तोड़ा, उसके बाद जनता दल, उसके बाद आरजेडी, और उसके बाद अब देखिए बीजेपी का गढ़ इसे माना जाता है। एक बार फिर मुकाबला यहाँ आरजेडी और बीजेपी के बीच में। भैया मैं कहूँगा थोड़ा और आगे बढ़ जाए, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि लोगों से बातचीत करते हुए आगे बढ़ूं। रुकिएगा भैया, ऑटो वाले भैया। भैया किसकी चलेगी, बीजेपी आरजेडी? बीजेपी की। उधर देखिए बताइए, बीजेपी क्यों चलेगा बताइएगा तुम ना? यहाँ बताइए क्यों बीजेपी चलेगी? यहाँ का सरकार मेरे लिए अच्छा है। कौन चलेगा भाई? बीजेपी। बीजेपी कि उसका सरकार बढ़िया है। आईनी रगड़ के बोल रहे हैं भैया, क्या कर रहे हैं? बात कीजिए। तो देखिए तमाम लोग अलग अलग। भैया थोड़ा आगे बढ़ेंगे, ये बाग मोड़ का इलाका है। भैया किसको जिता रहे हैं, कौन चलेगा? लोग बोलने को तैयार नहीं है कुछ। हाँ, लेकिन हम कोशिश करेंगे, और भी लोग जो मिलेंगे हम। भैया रोक दे, मैं कोशिश करूंगा उतर के लोगों से बातचीत करूं कि अगर वो बता पाए कि कौन चलेगा। भैया किसको जिता रहे हैं, बीजेपी आरजेडी? एक्चुअली बीजेपी को ही सपोर्ट कर रहे हैं हम लोग। बीजेपी को क्यों, क्या वजह मान रहे हैं? एक्चुअली उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, रोड विकास हो गया, रोड विकास भी हो गया, सड़क भी मिल रही है, उसके बाद हम लोग को दरभंगा और भी बन रहा है। भैया किसको जिता रहे हैं? हम लोग तो बीजेपी को जिताएंगे। क्यों, क्या वजह बता रहे हैं? कहा कि सब चीज ठीक है, हम लोग जो है बीजेपी से खुश रहते हैं। भैया आप किसको जिता रहे हैं? जो दे बोल रहे बीजेपी को वोट देंगे। सड़कें बन गई, नाली बन गया, सब कुछ हो गया। दरभंगा में बीजेपी और आरजेडी के बीच सीधी टक्कर है। यहाँ दोनों ही दलों के समर्थकों की अच्छी खासी तादाद है। हमारी टीम ने दरभंगा के बागमोड़ से रोड पर ई रिक्शा से उतरकर वहाँ के आम जनता से बातचीत की। इस दौरान हमें काफी ऐसे लोग मिले जो बीजेपी का समर्थन करते दिखे, काफी ऐसे भी लोग दिखे जो आरजेडी के समर्थन में खड़े हुए थे। इस बीच वहां जब विकास कार्यों की चर्चा शुरू हुई तो आरोप प्रत्यारोप का दौर बढ़ने लगा। एयरपोर्ट बन गया आपका? बन गया। चलिए आप बताइए भैया, बहुत खुश नजर आ रहे हैं एकदम। पूरा मोदी जय जय। मोदी जय जय। कितना जय जय? बहुत। 400 पार। 400 पार। भैया रगड़ते बता दीजिए किसको दे रहे हैं? बीजेपी को। क्यों? अच्छा है। आप बताइए भैया। अरे बीजेपी हो या आरजेडी हो, जनता के लिए नहीं है। नहीं है? नहीं है। आपके लिए कुछ नहीं हुआ? नहीं है, कुछ नहीं हुआ। प्रधानमंत्री आया तो बोला जो है पक्के के घर बना दिए। अरे
राशन फ्री देता है, राशन फ्री देता है, राशन फ्री देता है, क्या 4 किलो रोड बना दिया, फिर पूछेंगे 4 किलो राशन देगा तो महीना कट जाएगा, चार किलो नहीं देता है सर, गलती बोलता है, 5 किलो देता है, 4 चावल देता है, गेहूँ देता है, बताइए आप मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, इसको घूस में मिलता होगा, बनिया बन गया सर, इसको घूस में मिलता होगा, बीजेपी सुनिए इनको बोलने दीजिए, इसको घूस में मिलता होगा 5 किलो, हमको तो 4 किलो देता है, आप खुश नहीं है, नहीं खुश नहीं है, क्या करेंगे, एक ही आदमी है इसलिए इनको 4 किलो मिलता है, हम लोग 5 परिवार है, हमको 35 किलो मिलता है, आरजेडी को देता है, आरजेडी काम कर रही है, एकदम कर रही है, कर रही है एकदम, कौन क्या सड़क का विकास हुआ, और मोदी घर घर मोदी, कोई बार 400 पार, कोई विकास नहीं हुआ पूरा दरभंगा के अंदर में, कोई विकास, बोलिए बोलिए बोलिए, आर अपना पेट भरता और किसी का नहीं भरता, बताइए बीजेपी जिंदाबाद, सड़क बन गई, नाली बन गया, बिल्कुल सब चीज है, आप सड़क पर हैं, क्या करते हैं, ऑटो चलाते हैं, जी सर जी ऑटो चला रहे हैं, आपको बहुत विकास है, बहुत विकास है, बहुत विकास है, बहुत, ये विपक्ष पार्टी है क्या बोलेंगे ये, लेकिन ये तो आरोप लगा रहे हैं, बीजेपी क्या किया, कोई विकास नहीं किया दरभंगा के लिए, एक भी टॉयलेट नहीं बना, सुनिए एक भी टॉयलेट नहीं बना, जो आम पब्लिक जो आता है कहाँ जाएगा बाथरूम के लिए, बिल्कुल सब्जी बना, सब्जी बना बना हुआ, चलिए हम दिखाते हैं, चलिए चल घर पे चलेंगे ना, हाँ दार घर पे दिखाएंगे, घर बनाया फिर भी बीजेपी को वोट देंगे, हमारा और नहीं कुछ बनाया फिर भी बीजेपी को वोट देंगे, क्या वजह भैया, क्यों वजह यही है कि हमारे को जो रोड उड सब बना दिया है, उसके बाद जो है न घर दिया है, न आपको इंदिरा आवास मिला, न लैट्रिन बाथरूम कुछ नहीं बनाया, उसके बाद रोड उड नाला उला, मैं चाहूंगा आप लोग लड़ाई नहीं करें, क्योंकि चुनाव 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 है, शौचालय है, कहूँ पर दिले महिला के लिए है, बोले इतना इतना दिएंगे, राजनेता राजनेता तो हो रहा है, टेम्पो का स्टैंड हो यहाँ पे, दरभंगा में कहीं पे भी टेम्पो स्टैंड नहीं है, हम लोग किस टेम्पो स्टैंड नहीं है कह रहे, वो ऐसे ही बोलता है, कहाँ टेम्पो स्टैंड है बताइए, तो बताइए कहाँ पे टेम्पो स्टैंड है, पेशाब करने का सोच समझ के वोट दीजिएगा, जो आदमी अच्छा उसको वोट दीजिएगा, बिल्कुल हम देखिए जी, बिल्कुल जो हमारा ये कुछ और लोगों से बात करता हूँ, लोग और भी है हमारे साथ, भैया किसको जिताएंगे, आरजेडी, आरजेडी को, क्यों क्या वजह है, जात है हमारा, अच्छा उस पर देंगे, जात पे नहीं दिमाग पे दीजिए, नहीं करता उस पर वोट दीजिए, देंगे तो आरजेडी को, जो हो जाए जो हो जाए। दरभंगा के बागमोड़ इलाके में हमारी टीम ने एक चाय की दुकान पर भी लोगों के साथ चर्चा की, यहां आरजेडी समर्थकों और बीजेपी के समर्थकों के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली।